ये मेरा नहीं, बिल्कुल अमेज़न का गलती है। और आप लोगों को दिल से थैंक यू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है ना कि टिकट हो जाने के बाद जो इस वजह से डिले हो रहा है, देयर आल्सो इन डिलेमा के अल्टीमेटली क्या होना है। कपड़ा धोए बाहर आके देख रहे हो कि बारिश हो रहा है। आई एम ए प्रो व्लॉगर यू नो। देखिए मिनी आग बंद करके, क्योंकि पहले उठ के ही चिकन मैंने निकाल लिया और चिकन निकाल के रख दिया मैंने डिफ्रॉस्ट होने के लिए। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, इट्स अ न्यू डे अगेन। पहले व्लॉग शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, तो कल मैंने एक व्लॉग शूट किया था, व्लॉग नहीं था, वीडियो शूट कर रही थी देर रात तक। ठीक है, ज्यादा देर नहीं हुआ था, फिर भी 11:30 बज गया था। उसके बाद मैंने जब वीडियो जो है पूरा शूट होने के बाद मैंने उसको ट्रांसफर करने के लिए यू नो लैपटॉप में कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद जो शौक मुझे लगा वो था कि शुरुआत का जो भी क्लिप्स था वो तो कुछ आ गया। उसके बाद से आई थिंक 10-12 मिनट के बाद से एक भी क्लिप नहीं आया। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। तो ये बहुत बारी हो चुका है, सो इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, इतना रात हो गया था, आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट के मैं और इसको ना रीशूट करूं। तो एक तो रात हो गया था और गुस्से से ना मैं सोची यार मतलब दिमाग खराब हो रहा था। एनीवे तो उतना रात को वो सब करने के बाद फिर नहा के सब कुछ करके डिनर विनर करके सोने गई। सो ऑलमोस्ट क्या हुआ ना, मैं ऑलमोस्ट 1:30 बजे को गई मैं सोने। हाँ सो तो गई थी, नींद उतना नहीं हुआ था। एक तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था इतना मेहनत से किए, जो कि और मैं रिपीट नहीं कर सकती, ऑलरेडी बहुत रात हो गया था, इतना देर से सोई खावा के थोड़ा बहुत। फिर सुबह उठी, सुबह कुछ काम था, सुबह से ही एक्चुअली वेदर दिखा रहा था ना बारिश, पर सुबह को उतना हुआ नहीं, अभी बहुत हो रहा है। मैं सुबह को उठी, थोड़ा बहुत जो काम मेरा नेसेसरी घर का है उसको करके लंच करके मैं सो गई, क्योंकि रात को मेरा नींद हुआ नहीं था। एंड आई गॉट रियली रियली लाइक इरिटेटेड ऑनेस्टली, पर कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू रीशूट द वीडियो ऑफ कोर्स। देखिए मिनी आग बंद करके, क्योंकि पहले मिनी का दिखाया था कि स्वेल हो गया था। ए दारा, अभी बहुत कम हो गया, कम मैं बोलूंगी ऑलमोस्ट थोड़ा सा बाकी है, देखो चला गया। अभी खाया और वहीं पे सो गया, उसको इतना नींद आ रहा है। एंड आज दोपहर को जब लंच किया, लंच करके मैं फिर सो गई थी, अब जाके मैं फाइनली उठी। लुक एट माय फेस, मेरा आईज आप अगर देखोगे तो समझ में आएगा, लाइक थोड़ा सा स्वेल है। कपड़ा धोए बाहर आके देख रहे हो कि बारिश हो रहा है, पर एक्चुअली बारिश हो रहा है ना, जब धूप निकलता है बहुत गर्मी होता है। एक मिनट में दरवाजा बंद कर देती हूँ। जब धूप निकलता है तब बहुत गर्मी होता है और जब बारिश होता है थोड़ा ठीक हो जाता है, पर अभी क्या करूँ, कपड़ा ऑलरेडी मैंने धो लिया, नहीं तो रूम में ही देना पड़ेगा फैन ऑन करके, अदरवाइज कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जैसा वेदर अभी है ना, वेदर मैंने चेक भी किया है, इनफैक्ट थोड़ा ऐसे बारिश होता रहेगा। अब मैं बाहर दूंगी, अभी उतना जोर से एक्चुअली हो नहीं रहा, मैं बाहर दूंगी फिर से जोर से लाइक स्टार्ट हो गया, फिर इधर से होगा तो फिर मेरा कपड़ा और भीग जाएगा। तो अभी का लेटेस्ट अपडेट, एक तो लॉकडाउन अभी फिर से चालू हो गया है 16 तक, उसके बाद गॉड नोस क्या होगा, सिचुएशन को अगेन डिपेंड कर रहा है। उसके वजह से यू नो रेलवेज में भी फर्क पड़ा है, मेरा बहुत सारा ऐसा फ्रेंड है जो इधर से ट्रैवल करने वाले थे लाइक कोलकाता में, सो आई डोंट नो, सो वो लोग भी बोल रहे कभी डिले तो हो गए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि टिकट हो जाने के बाद जो इस वजह से डिले हो रहा है, देयर आल्सो इन डिलेमा के अल्टीमेटली क्या होना है, क्योंकि उन लोग का भी बहुत कुछ काम है। और इधर पे मिनी का पैर का जो दिखाया था कि उसका पैर में स्वेलिंग हो गया था, फ्लूइड जम गया था, तो थैंक गॉड मेडिसिन जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और अभी बस थोड़ा सा ही बोल सकते, थोड़ा सा ही मतलब बाकी है 100% ठीक होने में, तो इट्स इन वेरी गुड कंडीशन, थैंक गॉड। आई वाज रियली वरीड, ब्लड टेस्ट करना था, तो उन्होंने बोला था पहले कि अगर टेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, मेडिसिन दे के देख सकते हो, अगर कम लाइक कम हो जाएगा फिर भी, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ चेक एंड लाइक वाई इट हैज हैपेंड तो आप करवा सकते हो। फिलहाल मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ, अगर जरूरत होता है या फिर से ये इशू अगर क्रिएट होता है तो फिर शायद मैं सोचूंगी।
सो आई थिंक आई एम गोना ड्रॉप दिस ब्लड टेस्ट वाला थिंग बिकॉज उसको ब्लड टेस्ट करवाना भी एक झमेला का बात है, उससे ब्लड लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर डेफिनेटली अगर बाद में फिर से होता है ना तो वो तो करना ही पड़ेगा। सो उन्होंने भी यही बोला उससे, ऐसा नहीं कि ये बार बार यू नो होता रहता है, सो देयर इज नथिंग रियल टू वरी। और आप लोगों को दिल से थैंक यू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल। ये मेरा नहीं, बिल्कुल अमेजन का गलती है, या तो जिस कंपनी से मैंने लिया उसका। ये मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था जो कि एक फ्रॉथर है फॉर कॉफी, फॉर एनीथिंग टू विस्क एनीथिंग, जो गल्प से मैंने लिया, मतलब द ब्रांड इज गल्प एंड मैंने लिया इसको अमेजोन से। तो सो बात ये है कि मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बोला था कैसे यू नो फंक्शन करता है, हाउ गुड और बैड और एवरेज इट इज, सब कुछ मैंने बोला, पर मेन चीज प्राइस ही नहीं यू नो बताया उस वीडियो में। और मेरे को इस बारे में पूछा गया कि आप तो प्राइस ही नहीं बताए, आई एम रियली सॉरी यार, सच में मैंने प्राइस नहीं बताया। जो मेन चीज, ऑफकोर्स आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो प्राइस तो बोलना बनता है, एंड अगेन इट्स नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, मैंने बस खरीदा तो मैंने सोचा देर आर सो मेनी पीपल हु लाइक कॉफी, और इट्स नॉट अबाउट ओनली कॉफी, इट्स अ हैंड ब्लेंडर, सो यू कैन यूज इट फॉर सो मेनी थिंग, फॉर मिल्क, फॉर एग, विस्किंग एंड फॉर लॉट्स ऑफ थिंग। अच्छा, प्रोडक्ट के बारे में मैंने उस वीडियो में, आज बहुत गाड़ी जा रहा है तो बहुत आवाज़ आ रहा है, विंडो एक्चुअली खुला है, रूम पूरा गर्मी हो जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है फिर कम हो रहा है, और फैन तो एज यूजुअल बंद करके वीडियो करना पड़े। एनीवे कमिंग टू द पॉइंट, ये मैंने लिया था, सो इसका MRP है 1699, पर मैंने इसको डिस्काउंट में लिया है, इट इज़ ऑन 735, सो दैट्स वॉट आई पे। आज ब्लेंडर के साथ आई गॉट दिस यू नो बैक टैग जो आपके डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, इवन दिस वन ना जो फ्रॉथर है ये भी डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। सो इसके साथ और एक चीज है विच इज 30 बरिस्ता रेसिपी, लाइक कॉफी रेसिपी बुक, जो कि मुझे नहीं मिला। आई स्वेयर ऑन यू पीपल, लाइक आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने पूछा कि मैंने प्राइस क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं मिस आउट कर गई थी, आई वॉज सो एक्साइटेड दैट डे, क्योंकि आई एम रियली, यू पीपल नो मुझे कॉफी इतना पसंद है। सो जब भी मुझे मिला मैंने उसी दिन इसका शूट बनाया था, मतलब पहले जो यू नो इसका रिव्यू बोलो या अनबॉक्सिंग बोलो वो किया था, उस दिन मैं एक्साइटेड होकर यही नहीं चेक किया था कि जो अमेजोन पे लिखा है 30 बरिस्ता कॉफी रेसिपी बुक वो मुझे मिला ही नहीं है। सो आज जाके जब मैंने फिर से उसको चेक किया ना कि आपको सही से प्राइस बता पाऊँ, क्योंकि मैं डिस्काउंट में लिया है वो भी बता पाऊँ, तो यस ये दो चीज मुझे मिल गया। पर वो जो बुकलेट है अकॉर्डिंग टू देम वो भी आने वाला था, पर मुझे कोई भी बुकलेट नहीं मिला। इट हैज 19,000 RPM विच इज रिवोल्यूशन पर मिनट, जिसकी वजह से थोड़ा महंगा है, पर आपका काम जो है ना धीमे धीमे नहीं एकदम यू नो ऐसे ही हो जाता है कुछ सेकंड्स में, और मैंने इसका प्रैक्टिकल उस वीडियो में भी दिखाया है। सो या ये चीज मैं मिस कर गई थी, एंड सो ये चीज भी मैंने बता दिया, आई एम ए प्रो व्लॉगर यू नो, आधा चीज बताया एक्साइटमेंट में और आधा चीज नहीं बताया था। अच्छा, लास्ट दिन मैंने बताया था रेड वाइन सांग्रिया के बारे में, तो इस वीडियो में मैं जरूर उसको शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज पहले कभी ऐसा रेसिपी कभी अपने चैनल पे शो नहीं किया। तो आप चाहे ना स्पेंसर से, जैसे मैंने बोला स्पेंसर में अवेलेबल है, होम डिलीवरी भी हो रहा है मैंने देखा जब वो मैसेज आया था, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। मैंने ये वाला टेस्ट ना किया था म्यूनिक में, क्योंकि आप अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाओगे इधर पे इंडिया में भी ना, तो आपको सिर्फ एप्पल मिलेगा रेड वाइन में, ऑरेंजेस नहीं मिलेगा। आप ऑरेंज लेके ट्राई करके देखना, वो सिट्रस जो फ्लेवर ऐड करता है और साथ में वो जो पील ऐड करता है फ्लेवर, इट जस्ट लव्ड इट। तो आप चाहो तो कभी भी आप यू नो ऑरेंज ऐड कर सकते हैं, आप विदाउट ऑरेंज भी एक बार ट्राई करके देखना, सिर्फ एप्पल के साथ, और विद ऑरेंज भी यू कैन रियली मेक आउट की डिफरेंस के क्या है। मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट फ्रूट्स लिए हैं, वीडियो एडिट कर रही और बाहर पे हो रहा है बारिश, आई विश ये अभी रियलिटी में होता। एनीवे सो जो भी फ्रूट्स मैंने इधर पे काट रही हूँ, मेक श्योर वो जो छोटा छोटा पीसेस हो, बट छोटा डजेंट मीन लाइक शॉर्प वन, यू शुड हैव लाइक बाइट साइजेस। नेक्स्ट मैं ऑरेंज काटूंगी, बिकॉज ऑरेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वन, बिकॉज आई एम गोना यूज द ऑरेंज एंड द ऑरेंज पील एज वेल। सो ऑरेंज का पील भी मैं यूज करने वाली हूँ ड्रिंक में, येस। सेम ऑरेंज को भी मैं
बाइट साइज में काटूंगी। अब आती है ऑरेंज पील की बारी। ऑरेंज पील इज मस्ट फॉर दिस ड्रिंक एंड यू विल नो इट व्हाई आई एम सेइंग इट। ऑरेंज पील को हम बाइट साइज में नहीं, उसे बड़े साइज में काटेंगे, जैसे मैंने इधर पे काटा है। नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी पोमेग्रेनेट को, पर पोमेग्रेनेट मैं बोलूंगी आप अगर नहीं चाहो तो पोमेग्रेनेट स्किप भी कर सकते हो, बट आई वांट इट टू बी मोर फ्रूटी, थोड़ा और फ्रूट्स में चाहती थी, सो आई हैव एडेड पोमेग्रेनेट आल्सो। बट मेक श्योर टू थिंक, एप्पल एंड ऑरेंज इज मस्ट प्लस द ऑरेंज पील। फ्रूट्स मैंने सब ऐड कर लिया है। फाइनली हियर कम्स द शो स्टॉपर, द ऑस्ट्रेलियन रेड वाइन आई एम यूजिंग हियर, जो है कैबिनेट मेलोट। सब कुछ हो गया, फाइनली मैं इसको डालूंगी फ्रिज में। आप चाहो तो इसको ग्लास जग में भी बना सकते हो, मेरे पास ग्लास जग है नहीं तो आई यूज दिस जार, सो मैं एटलीस्ट ओवरनाइट रखूंगी इसको। बाहर बहुत जोर से बारिश स्टार्ट हो गई, इतना देर से नहीं हो रहा था। ओके, मैंने जो ये सांग्रिया बना रेड वाइन का, इसमें क्या है ना, जो आपने देखा मैंने ऑरेंज पील ऐड किया, विच एड्स वेरी गुड फ्लेवर टू द ड्रिंक, जिसमें कुछ बिटरनेस टेस्ट आएगा बिकॉज ऑफ द ऑरेंज पील। इसको मैंने इसलिए बोला था आपको बड़े साइज में काटना है, बिकॉज जब आप फ्रूट्स और ऑरेंज पील के साथ उसको रेड वाइन में ऐड करके आप फ्रिज में रखोगे उसको, वो जब फ्रिज में रहेगा सब फ्रूट्स और रेड वाइन के साथ वो इन्फ्यूज होगा, फ्लेवर और भी फ्लेवरफुल होगा, तब जाके वो जो ऑरेंज पील है वो अपना बिटरनेस थोड़ा टेस्ट जो है उसको भी उसमें मिक्स करेगा। क्योंकि जब आप सर्व करोगे आपको सिर्फ फ्रूट्स और वाइन सर्व करना है, ऑरेंज पील को आपको सर्व नहीं करना है, वो सिर्फ फ्लेवर के लिए है। रेड वाइन सांग्रिया में और एक बात है कि आप जब सर्व करते हो चिल्ड सोडा भी मिक्स करते हो, पर मैं लिटरली कोई भी सोडा मिक्स नहीं करती। आई फील सोडा मिक्स करने के बाद जो टेस्ट आता है, और जैसे मैंने बनाया विदाउट एनी सोडा, इतना देर से आके ना सिर्फ थंडरिंग और लाइटनिंग ही हो रहा था, कम से कम एक घंटे से ऐसे थंडरिंग हो रहा है। मैं सोचे बारिश होगा यार, दे नहीं पा रही हूँ कपड़ा, अभी जाके यार मैंने देख के आई कि लेट्स सी कब बारिश होगा, बट क्योंकि लाइक सिर्फ डरा रहा है बारिश। सो ये रहा आज का डिनर, स्पेगेटी विद चिकन एंड विद सम वेजिटेबल्स, ज़्यादा वेजिटेबल था नहीं, जो कुछ भी था सब कुछ मैंने ऐड कर लिया है। और फ्रोजन वेजिटेबल भी मिलता है, पर आई डोंट नो फ्रोजन ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, फिर भी फ्रोजन कुछ कुछ चीज़ें फिर भी ठीक ठाक लगता है, पर वेजिटेबल आई डोंट नो टेस्ट बहुत ख़राब लगता है मुझे। पर हाँ, फ्रोजन वेजिटेबल आप अगर चाहो तो ईजीली अवेलेबल, लाइक ईजीली ईजी कुकिंग के लिए, या कभी वेजिटेबल ना हो तो उसको डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। सो मैंने से कुछ ऐसा ही कुछ बनाओ जो जल्दी में हो जाए। सो आई एम गोना हैव माय डिनर नाउ, सो आई एम गोना हैव माय डिनर एंड होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड स्पेशली द ड्रिंक। रिव्यू जरूर दीजिएगा टेस्ट करके, एंड सी यू एंड हैव अ वेरी गुड नाइट।